welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, हैरियत से होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. You guys can see मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है and I need to clean it up. तो इसको क्लीन करने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत आसानी से ये सारी ग्रीस वगैरह एंड एवरी थिंग ख़त्म हो जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. और दूसरी बात ये कि कभी भी चूल्हे पे चाय वगैरह गिर जाए, जैसा कि यहाँ पे मेरी गिरी हुई है, उसको राइट अवे क्लीन कर लिया करें. मैंने नहीं क्लीन किया था तो देखिए वो अब थोड़ी सख्त हो गई है क्योंकि उसके बाद चूल्हा जला था. लेकिन कोई मसला नहीं है, हम गोना शो यू गाइस कि मैं क्या यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, ताकि जो लोग बाहर ममालिक में रहते हैं वो इसे ज़रूर ट्राई करें. आई डोंट नो पाकिस्तान वगैरह में ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अगर नहीं भी है तो आपको पता है मीठे सोडे के साथ और थोड़े से विनेगर या लेमन के साथ चूल्हा वगैरह ग्रीस वगैरह बहुत अच्छे से साफ हो जाती है. एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. तो ये दो स्प्रे हैं, एक है ईजी ऑफ जो कि किचन का ही है क्लीनिंग के लिए. मुझे ये टारगेट से मिला था, आई डोंट नो दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये एक शेल्फ पे पड़ा था तो मैंने कैसे ट्राई करते हैं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है, मैं दोबारा जाके देखूंगी, आई होप मुझे मिल जाए. अगर आपको किसी और स्टोर पे मिलता है तो प्लीज़ लेट मी नो. बट दिस इज़ माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट मैथड का है ये, हैवी ड्यूटी एंड इट्स रियली गुड. लेट मी शो यू. ऑल ओवर स्प्रे कर लेंगे एंड इसे फ्यू मिनट के लिए छोड़ देना है हमने. आई नो बहुत से लोगों की रूटीन होती है वो रात में चूल्हा वगैरह क्लीन कर देते हैं. मैं दिन में करती होती हूँ चूल्हा क्लीन जब मेरे किचन के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, लंच डिनर बन जाता है, उसके बाद कर लेती हूँ. तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सारा स्प्रे अपना काम कर ले और फिर इसके बाद हम लोग इसे क्लीन कर लेंगे. चले रिजल्ट देखने के लिए स्टे ट्यून. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मैं और मेरी सिस्टर इस चैनल को रन करते हैं टुगेदर. इंशाल्लाह वी विल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ फन कंटेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड इफ यू आर रिटर्निंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक. प्लीज स्टे एंड एंजॉय. ऑलराइट, सो इट्स बीन फ्यू मिनट, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट स्क्रबिंग इट ऑफ. ये नॉब्स वगैरह भी हटा लेंगे, इनके नीचे अक्सर ग्रीस वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है. वी डोंट क्लीन एन अप, सो साथ साथ में इनको भी क्लीन कर लेंगे. अच्छा, जब सारा स्क्रब हो जाए तो कोई भी पुराना कपड़ा लेके इसको साफ़ कर लेंगे. जो स्प्रे हमने किया हुआ था उसको सारा वाइप ऑफ कर लें. आप ऑलरेडी अभी देख सकते हैं कि वो चाय के जो दाग वगैरह थे वो काफ़ी आसानी से हट गए थे. तो इट्स अ रियली गुड स्प्रे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है. आप पेपर टॉवल वगैरह कुछ भी लेके ना इसको सारा वाइप कर लेंगे. ये फिर मैंने एक पेपर टॉवल लेके इसे फाइनल वाइप कर लिया था. इसकी जो नॉब्स वगैरह उतारी थी उन्हें भी सही अंदर बाहर से हर जगह से वाइप करके ना वापस मैंने लगा दिया था. एंड दैट इज़ इट. ये थी मेरी छोटी सी चूल्हे की क्लीनिंग की वीडियो. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी.
Please give it a thumbs up if you did, or subscribe kare mere channel ko, friends and family ke saath share kare. I will see you guys in my next video. Tab tak ke liye apna bahut zyada khayal rakhiyega, dua mein yaad rakhiyega. Take care. Allah Hafiz. Allah Nigehban.